क्या बात है मधु, आज सिर्फ बिस्किट्स ऑमलेट क्यों नहीं बनाया? क्या करूं चंपू, बाजार में अंडों की शॉर्टेज है। हे दीज, वीडियो क्या लिखा है? एक मुर्गी ने एक साल में इतने अंडे दिए कि उसके मालिक ने उन अंडों को बेच के अपने बेटे की शादी करवा दी। क्या? लगता है सोने के अंडे दिए सैंडी। नहीं नहीं जिज्जू, अंडे बिल्कुल मामूली थे। उस मुर्गी ने एक साल में पूरे 1280 अंडे दिए। ओवरटाइम करती होगी बेचारी, हम औरतें होती हैं ऐसी हैं। ऐसी ऐसी मतलब कैसी? घर की मुर्गी, घर का पूरा काम संभालती है, सबका पेट भरती है, लेकिन कोई पूछता नहीं है। हे दीज, और क्या लिखा है? इस मुर्गी ने अपने मालिक को चोरों से आगाह करके घर में चोरी होने से भी बचाया। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? I know. देख सैंडी, मुर्गियां ओवरटाइम करके अंडे तो दे सकती हैं, लेकिन कुछ भी करें कुत्तों की तरह भौंक नहीं सकती। जीजू, उस मुर्गी ने अपने मुर्गे को आधी रात में उठा के बांग देने पे मजबूर कर दिया, जिससे उसके मालिक जग गए और चोर पकड़े गए। कमाल है, अपन लोग भी दो चार मुर्गियां पाल ले। सैंडी, मेरे हाथ में ना दो रेखाएं नहीं। कौन सी? एक तो धन लाभ की और दूसरा बिजनेस की। नो प्रॉब्लम, यहाँ पर है देखो। माय गॉड, इट्स सो स्ट्रॉन्ग। गीत, ऐसा करते अपन दो चार मुर्गियां पाल के मिनी पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर लेते हैं। नॉट अ बैड आइडिया सैंडी। फिर उन मुर्गियों में से हमें अंडे मिलेंगे, फिर हम आधे बेचेंगे और आधे में से और मुर्गियां आएंगी, फिर उन मुर्गियों में से और अंडे और उन अंडों में से और मुर्गियां, फिर मुर्गियों में से इतने अंडे और अंडों में से इतनी मुर्गियां कि हमारा एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म होगा। फिर ना तो तेरे जीजू को, ना मुझे, ना तुझे काम करने की जरूरत होगी। सैंडी, तुझे इतनी अच्छी आइडिया कैसे सूझी? मधु, वैसे एक आइडिया मेरे दिमाग में भी है। तुम्हारे दिमाग में आइडिया? हो गया आपको? होगा, हो गया। बोलो। मधु, क्यों ना हम 6 भैंसे खरीद कर एक मिनी डेयरी शुरू कर दें। उन भैंसों का दूध बेचेंगे और जो गोबर आएगा ना, उससे गोबर गैस प्लांट बनाकर गैस को बेचेंगे। बहुत प्रॉफिट होगा। उससे और भैंसे खरीदेंगे, और दूध, और बढ़िया गोबर, और प्रॉफिट। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताना मधु, ये कमाने के बुरे विचार तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहे थे? चंपू, हमें भी तो अमीर होना है। अरे जीजू, हमें भी तो कार में घूमना है यार। ये बेकार की बातें छोड़ दे। सैंडी, हम बेकार हैं। चंपू, एक प्रॉब्लम का हल बता। ना हम औरतों के साथ रह सकते, ना उनके बगैर रह सकते। लगता है तेरा ममता से आज झगड़ा हो गया बंटी। नहीं चंपू, झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ। लेकिन तुझे नहीं लगता चंपू, ये औरतें बड़ी चालाक होती है। खुद तो अपना काम वाली से करवा लेती है, और हम मर्द लोग गधे की तरह अपना काम करते रहते हैं। दिस इज नॉट फेयर बंटी। ये अनफेयर तब होता जब तू खुद कुछ काम करता। अरे तू कुछ काम करता ही नहीं है, तो तुझे क्यों चिंता हो रही है? मतबल मतलब ये बंटी कि तू ममता को किसी काम पे क्यों नहीं लगा देता? अगर वो बिजी हो जाएगी तो तुझे परेशानी भी नहीं होगी। अरे चंपू, उसे काम करना है तो हमारे घर में क्या कम काम है? लेकिन वो अपना काम दूसरों को टिका देती है और बाद में मेरा दिमाग चाटती रहती है। तो तू अपना बिजनेस शुरू कर दे। अरे बिजी हो जाएगा तो टेंशन भी नहीं रहेगी यार। अपना बिजनेस? हाँ, अरे लेकिन मैं कौन सा बिजनेस करूंगा चंपू? देख बंटी, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, राइट? ये तो सारी दुनिया जानती है। आगे बोल। तो तू इस अपने कीमती दिमाग से लोगों के प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करता? अरे पैसे भी मिलेंगे। अच्छा, इट्स एन इंटेलेक्चुअल बिजनेस, यू नो। चंपू, तेरी बात तो सही है, पर ऐसा बिजनेस करने में पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। अरे तो फिर नेक काम में देरी का आए को शुरू हो जा। अच्छा, तेरी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बंटी, आई एम श्योर तुझे काफी कस्टमर मिलेंगे। हाँ, वो तो मिल जाएंगे। अरे एक तो बहुत ही तगड़ा कस्टमर है जो हमेशा टेंशन में रहता है। अच्छा, कौन? मेरा बॉस। सर, सर क्या बात है? आपका ये मुंह इतना फुला हुआ क्यों लग रहा है? इडियट, ये तो बाय बर्थ है, नेचुरल है। आप नेचुरल लग रहा है, लेकिन क्या बात है सर, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। बताइए ना, क्या टेंशन है? देखो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुमको बताकर हमारा टेंशन बढ़ा दे। अरे सर, आप बता के तो देखिए, मैं ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। सुनो। हाँ बोलिए सर। इसको बताना नहीं है? हाँ, नहीं बताऊंगा। क्या है कि मेरी वाइफ है ना, वो एक नंबर की लबार और बेवफा है। लबार और बेवफा मतलब? सिंपल, क्या है कि कल मैंने उसको घर पे फोन किया। अच्छा? वो घर पे नहीं थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, रात को मैं गया और पूछा किधर गया था। तो बोलती है कि मैं तो पिक्चर देखने गई थी पिंकी के साथ। तो बेचारी गई होगी, उसमें क्या हुआ? यही लबार है, लबार है। वो पिंकी के साथ नहीं गई थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, जब वो कह रही है कि वो पिंकी के साथ पिक्चर देखने गई थी तो वो गई होगी। नहीं, क्योंकि पिंकी के साथ मैं गया था। क्या मतलब, डबल क्रॉस? सॉल्यूशन बताओ सर। इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए।
वो केस भी चालू है हमारा। ओहो, मतलब झगड़ा बहुत ही पुराना है। लेकिन सर ये झगड़ा एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ? ये क्या बहुत लंबी कहानी है। हाँ बोलिए बोलिए। हमारा मैरिज हुआ, फिर एक साल बहुत गेल गम्मत मजा किया। ओहो। और फिर बेबी आ गई। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका मैरिज हुआ, बाद में एक साल आपने गल गम्मत किया, बाद में एक छोटी सी बेबी आ गई। यही प्रॉब्लम है ना, बेबी छोटी नहीं थी तो? बेबी 20 साल की थी। 20 साल की बेबी मतलब बड़ी बेबी आ गई। अरे बेबी आ गई, अभी ये 20 साल की बेबी 40 साल की हो गई। अब केस अभी भी चालू है, 2 जज मर गए, 4 वकील मर गए, केस अभी भी चालू है। मुझे भी संभालना पड़ेगा। सर सर क्या हुआ सर, आप रो क्यों रहे सर? सर इधर तक आ गया। बोलिए बोलिए सर, क्या प्रॉब्लम है? मेरी वाइफ है ने, बोलना नहीं किसको, नहीं बोलूंगा। हमको बहुत टॉर्चर करती है। ओहो, एग्जैक्टली क्या करती है सर? अरे रात को सोने नहीं देती है हमको। क्या मतलब? नींद में भी फटाफट मारती है। और मैं पूछता हूँ ये क्यों किया, देखिए बुल से हाथ लग गया। अभी मैं गैलरी में जाके सोता हूँ। दिस इज वेरी बैड सर, वेरी बैड। इसका तो एक ही सॉल्यूशन है सर, किसी भाई को कहते और आपकी बीवी का काम तमाम कर देते हैं। गुड आइडिया। गुड आइडिया, लेकिन इसमें खर्चा बहुत आएगा सर। कितना आएगा? पर मंडल 50,000 रुपया। अगर 2 मंडल का ऑर्डर दिया ना सर तो 20% डिस्काउंट। 2 मंडल? हम तो एक ही मंडल निकालने का है हमारा भाई का। सर मुझे पता है आपकी 2-2 शादियां हो चुकी है, दूसरी का भी करवा दीजिए, सस्ते में गिरेगा ना। मधु, मधु डार्लिंग कहाँ हो तुम? अरे क्या बात है चंपा? मधु मैं तुम्हारे लिए ऐसे खुशखबरी लाया हूँ कि सुनते ही तुम पागल हो जाओगी। चंपा तुम मुझे पागल करने के लिए उतावले क्यों हो रहे हो? और पहले ये तो पता चले कि बात क्या है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि बात पागल होने लायक है भी या नहीं। मधु तुम अच्छा छोड़ो, मधु मुझे ऑफिस से कार मिलने वाली है। क्या चंपक, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ मधु, मुझे ऑफिस से कार मिलने वाली है। जिस ऑफिस ने तुम्हें आज तक एक साइकिल भी नहीं दी वो तुम्हें कार देने चला है, कहीं तुम्हारे बॉस पागल तो नहीं हो गए? ओफो मधु, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती कि मुझे कार मिलने वाली है? रियली चंपा? हाँ। लेकिन सुनो, इस बात का सैंडी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? मधु लोगों की कुंडली में जैसे शनि होता है ना, हमारी कुंडली में सैंडी है। मैंने सारी बातें सुन ली बॉस। हाँ? पर एक बार अपनी कार आ तो जाने दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि कार आते ही मैं तो बिजी हो जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड्स को घुमाने में। ए? तो भैया जब मैं घर में रहूंगा ही नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी कैसे? कार की वजह से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी चंपक। अरे क्या बात है चंपू, मधु तुम सब खुश नजर आ रहे हो, ये सैंडी वापस जा रहा है क्या? सैंडी कहीं नहीं जा रहा अंकल, हम लोग क्या एक कार आ रही है। चंपू तू गाड़ी खरीद रहा है? तू एक गाड़ी खरीद रहा है? yeah. और ये बात मुझे पता तक नहीं, क्या मैं इतना गैर हो गया हूँ कि ये बात मुझे किसी पराये से सुननी पड़ती है? अरे कैसी बात करता है यार तू, मुझे तो आज ही ऑफिस से पता चला है कि ऑफिस मुझे कार देने वाला है। ओ, अच्छा ऑफिस से पता चला। मतलब तो सेकंड हैंड गाड़ी होगी, तेरे बॉस की छोड़ी हुई। ब्रांड न्यू कार है। ब्रांड न्यू कार है? अंकल आप देखिएगा, जब जिज्जू दीजा में अपनी ब्रांड न्यू कार में जाएंगे ना तो हमारी क्या शान होगी। नहीं दीज? ऐसा तो सिर्फ एक ही बार हुआ था, जब फनफेयर में हमने प्लास्टिक की मर्सिडीज में बैठकर फोटो खिंचाई थी। वैसे चंपू हमें कौन सी कार मिल रही है? कोई भी डार्लिंग, वो तो अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। देख चंपू मेरी बात मान, ये गाड़ी वाड़ी का चक्कर छोड़ दे, पेट्रोल भराते भराते तेरा घर खाली हो जाएगा। पेट्रोल का खर्चा ऑफिस देने वाला है बंटी। फिर भी चंपू आजकल गाड़ी को मेंटेन करना इतना मुश्किल हो गया है, एक बार रिपेयरिंग में गई ना तो 10-15 हजार से कम खर्चा नहीं होने वाला। रिपेयरिंग का खर्चा भी ऑफिस ही देने वाला है बंटी। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई। डोंट वरी बंटी, हम कभी कभी तुझे अपनी गाड़ी में घुमाने ले जाएंगे। अच्छा कभी कभी घुमाने ले जाएंगे, क्यों मैं अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकता क्या? अरे बिल्कुल खरीदिए अंकल, बिल्कुल खरीदिए। अच्छा है ना, मुझे भी चॉइस मिल जाएगी, एक दिन जिज्जू की कार एक दिन आपकी कार। शट अप चंपू, आज मैं तुझे चैलेंज देता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी खरीद कर दिखाऊंगा, अपनी गाड़ी खरीद कर दिखाऊंगा और बाद में तुझे घुमाने ले जाऊंगा। लगता है शनि कहीं टकरा के गिर गया। मोमो क्या है? सीधी खड़ी रहो,
अच्छा आप ये बताओ हमारे घर में पैसे कितने हैं? होगी कोई 1500, लेकिन क्यों? मुझे एक गाड़ी खरीदनी है मोमो। अच्छा, किसी दोस्त के बच्चे को बर्थडे प्रेजेंट देनी है? यू स्टूपिड फुल इडियट, मैं खिलौने की गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, असली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। बंटी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है मतलब गाड़ी खरीदना क्या कोई पागलपन है? नहीं नहीं, गाड़ी खरीदना तो पागलपन नहीं है, लेकिन घर में सिर्फ 500 रुपए होते हुए भी गाड़ी खरीदना पागलपन है। कुछ भी हो मोमो, मैं एक गाड़ी खरीदूंगा और वो भी ब्रांड न्यू। लेकिन क्यों? क्योंकि चंपू एक गाड़ी खरीद रहा है। ओ, तो हम लोग उसकी गाड़ी मांगा करेंगे ना, सो सिंपल। नो मोमो नो, मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा, अपनी गाड़ी खरीदूंगा। बंटी, मैं अगर मेरे सारे गहने बेच दूं ना, फिर भी हम लोग नई गाड़ी नहीं खरीद सकते। शे, शे। हमारी शादी के बाद तुम्हारे बाप ने मुझे पूछा था तुम्हें क्या चाहिए, उसी वक्त मुझे गाड़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं पागल कि तुम्हें यहाँ ले आने का रिक्शा भाड़ा लेकर खुश हो गया। गलती तो मैंने की, मेरा रिश्ता एक 4 मर्सिडीज वाले से होने जा रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारे प्यार के लिए उसे ठुकरा दिया। डोंट वरी मोमो, डोंट वरी, हमारे पास गाड़ी आएगी और जरूर आएगी, अगर पूरी गाड़ी नहीं आई तो इंस्टॉलमेंट पर आएगी। इंस्टॉलमेंट पर ही? हम चोर बाजार से एक एक स्पेयर पार्ट खरीदेंगे और कुछ ही दिनों में हमारे पास पूरी गाड़ी हो जाएगी। हो जाएगी ना? यार एक 50 के नोट देना यार, बस के लिए पैसे नहीं है। अरे कल से तो वैसे भी कार में कॉलेज जाऊंगा। कार नहीं रे सैंडी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम दीच? कार ना तो चंपक को चलाने आती है और ना मुझे, और ड्राइवर रखने की तो हमारी हैसियत नहीं है, तो फिर कार लाने का क्या फायदा? अरे यार आपको साइकिल चलानी आती है ना? अरे एक हाथ छोड़ कर चलाती हूँ। वेरी गुड, तो मैं आपको आधे घंटे के अंदर ड्राइविंग सिखा दूंगा। आधे घंटे में? अरे साइकिल सीखने में तो मुझे 5 साल लगे थे। अरे साइकिल सिखाने वाला ना जरूर कोई पागल होगा। मुझे साइकिल सिखाने वाली तो तेरी माँ ही थी। अरे यार उसको छोड़ो आप, देखो कार में क्या होता है, एक एक्सीलेटर, एक ब्रेक, एक क्लच, खत्म बात। खत्म क्या, तीन तीन है और मेरे पाँव 2 ही हैं। अरे यार जो पाँव एक्सीलेटर दबाएगा वो ही तो ब्रेक लगाएगा। इतना इजी है? तो कब से शुरू करें ड्राइविंग? दी जैसा करता हूँ, मैं कल अपने दोस्त से कार लेकर आ जाता हूँ और फिर शुरू करता है ड्राइविंग। याहू, कल से मेरी ड्राइविंग शुरू। वेरी गुड वेरी गुड। रोशन अभी एक बात वेरी फ्रेंकली बोलता हूँ, हमको घर पे कोई आई नहीं ने? सर ये पीछे से सर किसने बोला? सर ये तो मेरी आवाज है सर। ना लायक, शर्म नहीं आता हवन बदल के मेरे साथ बात करती है? एक्सक्यूज मी, बाद में बात करेंगे। क्या है? सर मेरी इज्जत। सर किसने लूटी? किसी ने नहीं लूटी, लूटने वाली है, लेकिन आप ही मेरी इज्जत को लूटने से बचा सकते हैं। कैसे? लोन देकर। सर मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ और मुझे लोन चाहिए। देखो तुम्हारा जैसा लबाड़ आदमी को गाड़ी खरीदने के लिए क्या, जेल खाने के लिए भी मैं लोन नहीं दूंगा। लास्ट टाइम तुमने लोन दिया था 40,000 का, एक पैसा भी नहीं दिया। सर वो तो पैसे दूसरे का लोन चुकाने में चले गए, अब जब तक तीसरा लोन नहीं देता मैं आपके 40,000 कैसे चुकाऊंगा? प्लीज सर लोन दीजिए। वो लोन जो तुम नहीं देगा ना, तो नाका पर पुलिस इंस्पेक्टर है ना, उसका नाम क्या? जाम सांडेकर। तुमको कैसा मालूम उसका नाम? सर उसके पास से भी मैंने लोन लिया था ना, और जाम सांडेकर ने कहा है जब तक मैं उसका लोन नहीं चुकाऊंगा वो मुझे कुछ नहीं करेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर प्लीज सर, मेरी इज्जत का सवाल है, लोन छोड़िए सर। लोन भी फिजिकल एक मारूंगा ना, ये बहुत भारी आ जाएगा, याद रखना। ठीक है ठीक है, आपको क्या लगता है आप अकेले ही लोन दे सकते? अरे मैं किसी दूसरे से ले लूंगा। अरे मैं अपनी सब्जी वाली से लोन लूंगा, समझे? इतना लबार आदमी है, सब्जी वाली को भी नहीं छोड़ता है। ए दीज, दीज। क्या है? अरे देखो फ्रेंड की कार लेके आ गया यार। वाह, मैं भी तैयार हूँ। जीजू का, जीजू वो तो कब के ऑफिस चले गए? वेरी गुड, चलो चलो चलते। चाबी ना? अरे यहाँ नहीं यार, लंबी रोड पे चल के चलेंगे। चलो ओके। हेलो चंपक दीक्षित। देखिए मैं इंस्पेक्टर जाम सांडेकर बात कर रहा हूँ, आपकी बीवी ने एक लड़के का एक्सीडेंट किया, अब फौरन चलाएगी कार से। अरे तब तो वो मेरी बीवी नहीं हो सकती इंस्पेक्टर। अच्छा आपकी बीवी का नाम मिसेस माधुरी दीक्षित है ना? हाँ, लेकिन वो ड्राइविंग जानती ही नहीं है, इसीलिए तो एक्सीडेंट किया उन्होंने। कैसे एक्सीडेंट कर सकती इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास कार ही नहीं है। क्या इसका मतलब आपकी बीवी के खिलाफ एक्सीडेंट के साथ साथ कार चुराने का भी चार्ज लगाना पड़ेगा? आप तुरंत चले आइए। जी अभी आता हूँ इंस्पेक्टर साहब। मधु देखो ना, तो तुम्हारे पास लाइसेंस है ना तुम्हारी दीदी के पास, और तुम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं। हम फुटपाथ पे गाड़ी चलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे सर, पर वो तो गलती से गाड़ी रोड पर आ गई। दिस इज बैड इनफ सैंडी। चंपू चंपू मुझे बचा लो, चंपू मुझे जेल नहीं जाना, मुझे चक्की नहीं पीसना। अरे ऐसे कैसे चक्की पिसवाएगा कोई, आखिर कानून भी कोई चीज है कि नहीं? अरे लोग तो बीस बीस खून करके ऐसे ही छूट जाते हैं,
और हमने तो सिर्फ गाड़ी चलाई, वो भी बिना लाइसेंस के, वो भी फुटपाथ पे। तू चुप है। तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। साहब आप ये बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो सामने उस बच्चे का बाप बैठा है। नहीं, वो बूढ़ा। हाँ तुम जरा उसे पटाने की कोशिश करो। okay. और मेरे टेबल पे एक छोटा सा फाइन भर दो। बाद में मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा। अरे उस बूढ़े को तो मैं यूं पटा लेता हूँ। चलो मधु। ये तो बहुत सीरियस लगता है चंपू। हाँ, हाँ, हाँ. ओहो, कितनी चोट। अब तबीयत कैसी है बेटे? ठीक तो है। तबीयत पूछ रहे हैं? आज आपकी बीवी ने मेरे बेटे की जान ले ली होती। I'm really sorry. देखिए मैं आपके बेटे को अच्छे अस्पताल में लेके जाऊंगा, उसका पूरा इलाज कराऊंगा। आप बस ये केस वापस ले लीजिए। अज्जी साहब आप इलाज तो करवा लेंगे लेकिन हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा? आपके घर का खर्चा बच्चा चलाता है? अरे ये तो कितना छोटा सा छोटा है तो क्या हुआ, रोज के 5,000 रुपए कमाता है। क्या रोज के 5,000? अरे करता क्या है आपका बेटा? वही जो हमारी पूरी फैमिली करती है। हम रोज सुबह सड़क में जाके खड़े हो जाते हैं और किसी न किसी कार से टकरा कर एक्सीडेंट करवा कर उनसे मुआवजा वसूल करते हैं। ये सरासर बेईमानी है। बेईमानी? अजी साहब कभी झूठा एक्सीडेंट सच हो गया तो? वैसे मेरा लड़का बड़ा एक्सपर्ट है, आज तक 35 एक्सीडेंट करवा कर उनसे मुआवजा वसूल कर चुका है। लेकिन ये तुम्हारी बीवी इतनी खराब ड्राइविंग करती है कि मेरे बेटे को सचमुच की चोट आ गई। क्या? वेरी गुड, जल्दी से पैसा निकालिए, हमारी जिंदगी खोटी हो रही है। देखिए मैं अभी जाकर इंस्पेक्टर साहब से ये सारी बातें कह दूंगी। हाँ कोई फायदा नहीं होगा, इंस्पेक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ अच्छा ठीक है, आप कितने में राजी होंगे वो बोलिए। 40,000। 40,000? अरे इससे तो अच्छा है कि मैं मधु को जेल भेज दूं। क्या चप्पू, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ डार्लिंग, लेकिन 40,000 जितना नहीं। कमाल है, अरे अपनी बीवी के सामने ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? देखो ना। देखिए भाई साहब मेरी बीवी के लिए 40,000 बहुत ही ज्यादा है, आप देने का भाव बोलो फाइनल। ठीक है 20,000 दे दो। 20,000? नहीं मैं इतना नहीं दे सकता, मैं जाता हूँ। चप्पू क्या मेरी कीमत 20,000 भी नहीं? No darling, I can't afford to love you so much. Sorry. देखो भैया full and final, 10,000 में पट्टे हो तो ठीक है, पर मैं इसे अंदर जाने दो, मैं दूसरी शादी करूँ। कैसा मर्द है ये? ठीक है लाओ 10,000 लाओ। क्या जमाना आ गया है, प्यार की कोई वैल्यू नहीं रह गई। नहीं तो क्या? आज मुझे पता चला मेरी असली कीमत क्या है। कल मैं किडनैप हो जाऊं तो तुम मुझे छुड़ाने भी नहीं आओगे? आऊंगा ना, जरूर आऊंगा डार्लिंग, लेकिन तुम्हें छुड़ाने नहीं, उन किडनैपर्स को फिरौती की रकम देने आऊंगा ताकि वो तुम्हें कभी ना छोड़े। चलो बेटे। I'm sorry चंपक, मैं तो सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। अरे 10,000 की चपत लगा दी। जीजू 10,000 नहीं 15,000, ये 5,000 गाड़ी के रिपेयर का बिल। ये मैं नहीं दूंगा। अच्छा मॉडल है। मेरा है। तेरे को चुमना है? नहीं। दूर खड़ा। चंपक। अरे सिर्फ गाड़ी आने की खबर से अगर 15,000 की चपत लग सकती है तो सचमुच गाड़ी आ जाएगी तो तुम किसी की जान ले लोगी बटु, और मेरा पूरा घर भी जाएगा। सॉरी चंपू, इसके बाद मैं कभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगी। ठीक है सिर्फ चलाऊंगी। चंपक दीक्षित का घर यही है? अरे हाँ यही तो है, बेचारा चंपक यही तो खड़ा है। चंपू मेरे दोस्त, मैंने गाड़ी खरीद ली, वो भी ब्रांड न्यू। क्या? तुमने कैसे गाड़ी खरीद ली? भाई मैंने बीमा
पेपर में पढ़ा ब्रांड न्यू गाड़ी मिल रही है ऑन द स्पॉट डिलीवरी, वो भी इंस्टॉलमेंट पर। भाई आपने खरीद ली। ठीक है यार, अब खरीद लिया तो मुबारक हो। जानता हूँ बाहर से मुबारकबाद दे रहा है लेकिन अंदर से तो जल रहा है, जल रहा है। अरे हम क्यों जले बंटी, हमारी भी तो कार आने वाली है। अच्छा, और वो भी ब्रांड न्यू। बॉस ब्रांड न्यू? वेल वो कार ना कभी आने वाली थी मधु, ना कभी आएगी। क्या मतलब है? क्या तुमने हमसे झूठ बोला था चंपू? नहीं झूठ नहीं यार, अप्रैल फूल बनाया। और तुम लोगों की बातों में आकर मैं कर्जदार बन गया? अरे इतना बड़ा इंस्टॉलमेंट है जितनी मेरी पगार नहीं है, अब मैं इतने बड़े बड़े इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरूंगा? एक्सक्यूज मी। यस। बाहर कार किसी खड़ी है? मेरी है। क्यों? एक ट्रक ने आपके कार को ठोक दिया है। क्या?